हैप्पी मदर्स डे जो ऑल जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं और जो नहीं भी देख रहे हैं उनको भी मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बाबू रेडी हुआ है मदर्स डे के लिए। मैं पिंक थी, ओ माय गॉड, बहुत सुंदर थी। चलो सुंदरी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज का मेरा ब्लॉग या वीडियो कुछ भी हो सकता है ना, अगर छोटा सा रहा तो वीडियो और लॉन्ग बन गया तो ब्लॉग। तो चलिए गाइस, आज है सैटरडे, तो सानवी के स्कूल में आज मदर्स डे का सेलिब्रेशन है। वैसे तो हर साल के मई के सेकेंड संडे को मदर्स डे का सेलिब्रेशन होता है, बट कल है संडे तो बच्चों की छुट्टियां हैं, तो उसकी वजह से स्कूल वालों ने आज ही रखा है मदर्स डे का सेलिब्रेशन। तो जस्ट सानवी को हमने 9 बजे छोड़ दिया क्योंकि उनको 9 बजे स्कूल जाना था, उसके बाद जो भी उन्होंने अपना प्रिपेयरिंग करनी होगी वो करनी थी, एंड देन जो मदर्स हैं उन्हें बुलाया है 10 बजे। तो सबका जो ड्रेसअप है वो है पिंक, अकॉर्डिंग कि पिंक कोई भी हो सकता है, कि किसी का डार्क पिंक, किसी का लाइट पिंक, कि पिंक का बहुत सारा शेड होता है, ठीक है, कोई गैस नहीं कर सकता कि कौन सा पिंक। तो उसी के चलते मैंने लिया है अपना पीला सूट एंड ये शरारा तो नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे स्कर्ट्स है ये। तो इसके साथ मैंने ये मिक्स एंड मैच किया है, एंड देन मैं इसकी फ़ोटो भी लगा दूंगी, ये पूरा लुक में कैसा लग रहा था, ठीक है। तो उसी के चलते हमें बुलाया 10 बजे मदर्स को, देन मैं रेडी हो चुकी हूँ, ठीक है। मैंने अपना पूरा सेटअप कर लिया है, इयर रिंग्स वगैरह एंड देन नेकलेस, थोड़े से बैंगल्स एंड पिंक लिपस्टिक एयर बकायदा मैं रेडी हो चुकी है ना। तो चलते हैं फटाफट से इनके स्कूल की तरफ बढ़ते हैं, और सारे तो इनके जो भी होंगे सॉन्ग्स वगैरह वो सब होंगे कॉपीराइट वाले, तो उन्हें मैं शॉर्ट्स में लगाऊंगी, ठीक है, और इंस्टाग्राम पे भी लगा सकती हूँ। सोनी हांडा करके आप डालोगे तो इंस्टाग्राम पे मेरा आपको चैनल मिल जाएगा, तो उस पर मैं डाल सकती हूँ, एंड देन इसमें कॉपीराइट्स की तो नहीं लगाऊंगी, तो थोड़ा बहुत जो भी होगा। और वैसे रिफ्रेशमेंट का था कि जब हम आएंगे मदर्स वगैरह तो पहले कुछ बच्चों का डांस एंड इसका गेम्स वगैरह तो पता नहीं अभी कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि पिछले बार तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि डांस और जिसे सिंगिंग करनी है सिंगिंग एंड देन तंबोला वगैरह कुछ किया था, और इस बार क्या किया है नो आइडिया, है ना। तो चलिए, पहले ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ, है ना, 10 बजे को है मुझे, तो मैं फटाफट से चलती हूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ, सीधा वहीं पे चला। तो बाबू रेडी हुआ है मदर्स डे के लिए। मैं पिंक थी, ओ माय गॉड, बहुत सुंदर थी। चलो सुंदरी। तो एंट्री करते ही सब माताएं हमसे पहले ही पहुंच गई थी, और बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, एंड हमारा सबसे पीछे नंबर पड़ा, लेकिन हमें थोड़ा टिटरम लगाई और आगे जाने पड़े। तो उसके बाद हमारा सबसे पहला एक मुहावरा राउंड हुआ था, तो जिसमें हमें सबको मुहावरे दिए हुए थे, तो हमें इसमें लिखना था नंबर्स एंड सभी मदर्स के लिए भाई, फिर सबको ऐसे होते। एंड देन सेकेंड में ये इमोजीज हैं, तो सिटी का नाम इससे लिखना है, वो भी बहुत ही ख़तरनाक था भाई, कुछ नहीं हो पाया है ना। एंड देन थर्ड राउंड में था ये पास एंड द पास वाला, पास कर लेना। का प्रोग्राम होने के बाद आई है खाने की वजह से सभी माताएं गई हैं खाना लेने, तो मुझे मिले गुलाब जामुन। सो गाइस, आई होप कि आपने मेरा थोड़ा सा वीडियो इन्जॉय किया होगा, और आपने देखा कि वहाँ बहुत सारी मदर्स आई हुई थी, और मेरी हालत देखो अभी पसीना पसीना हो गया, ठीक है, बाहर धूप नहीं हो रही लेकिन फिर भी मुझे इतना ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है कि बहुत ज़्यादा मेरे पेट से ना ऐसे टपक टपक करके पसीना आ रहा है। लाइट चली गई थी आधे में से, और अरेंजमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी की हुई थी, पहले बच्चों के डांस थे, देन मैंने यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियो शेयर भी किए हैं, और अपनी बेटी का भी शेयर किया, और उसके बाद थोड़ा सा गेम था पज़ल वाला, जो क्या बोलते हैं ना, पहेलियाँ, हाँ पहेलियाँ थी जो मुझे बहुत
कम आती हैं। एंड देन उसके बाद वो इमोजी थे, इमोजी में क्या करना था कि इमोजी के नाम से अपना स्टेट या किसी भी जगह का नाम बताना था, उसमें भी मैं महान हूँ, ठीक है। तो वो भी नहीं हो पाया, बहुत सारे लोगों ने किया था, उन्हें गिफ्ट्स वगैरह भी मिले थे, बहुत अच्छा लगा। एंड देन उसके बाद वो पास द पास करते ना, पासिंग द बॉल वाला, वो किया था। तो थोड़ी माता उन्हें डांस भी किया था, अच्छा कर रहे थे सब लोग, और किसी ने सिंगिंग की थी, किसी ने स्पीच दी थी, बहुत बढ़िया दिन रहा। उसके बाद उन्होंने हमें नूडल्स और फ्राइड राइस एंड देन मंचूरियन एंड गुलाब जामुन, ओह गुलाब जामुन तो ऐसे मस्त थे, मैंने दो दो खा लिए थे भाई साहब, मज़ा ही आ गया। मतलब खा खा के ऐसे मन कर रही और खाती जाऊँ और खाती जाऊँ, बट स्टिल कि मेरे को बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है मेरा, तो इतना मीठा भी मेरे लिए हानिकारक रहेगा, बट बहुत बढ़िया हो रहा था। मतलब खाना एक नंबर था, कि ये नहीं कि गुलाब जामुन ही, फ्राइड राइस भी अच्छे थे एंड नूडल्स भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आ गया और पूरा इंजॉय करके आए। देन उसके बाद फ़ोटो वोटो खींची, फिर उसके बाद आ गई मैं घर, ठीक है। सिर्फ घर मैं आई हूँ, सानवी अभी तक नहीं आई, सानवी अपनी फ्रेंड्स के वहाँ चली गई थी, अब मैं उसे जाती हूँ कपड़े चेंज करके उसे लेने के लिए, है ना। सो गाइस, आपका मदर्स डे कैसा रहा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलेगा। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो या ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का। राधे राधे, जय माता दी।